रेडियो कनपुरिया FM 90 पर आप है गुमनाम मुसाफिर के साथ। श्रुति जो कि रामपुर गांव की रहने वाली सीधी सादी सी लड़की है, अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई है। वो बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे स्वभाव की भी थी। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्ज़ाम खत्म होने वाले थे। श्रुति काफ़ी फ्री थी, फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर कोई चिंता नहीं थी। एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद श्रुति वापस रामपुर जाने को तय करती है, अपने माता पिता से मिलने, पुराने बंधुओं से मिलने। उसे अपने गांव से दूर शहर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर आना पड़ रहा था, लेकिन उसने शहर में काफ़ी अच्छे दोस्त बना लिए थे जो कि उसकी अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। पढ़ाई में हर तरह से श्रुति की मदद किया करते थे। श्रुति के दोस्तों ने मिलकर श्रुति के लिए फ्लाइट से उसके गांव रामपुर जाने का बंदोबस्त कर दिया था, क्योंकि श्रुति इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं गई थी, इसलिए वो अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्रुति पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती तो कभी दाएं बाएं। श्रुति अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। एकाएक देखते ही वेदर काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि वेदर ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें पास के ही शहर में लैंडिंग करनी होगी और उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। ये सुनते ही मानो श्रुति बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट विष्णुपुर में लैंड हो जाती है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वो वहां से रामपुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने का तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक रविपुर नाम का स्टेशन था। लोगों से पूछताछ करने के बाद श्रुति को पता चला था कि वो बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद श्रुति बड़बड़ाते हुए बोली, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती, कम से कम इतनी तकलीफ तो ना होती। यही सब सोचते हुए स्टेशन में जाकर वो एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है कि तभी सामने से एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और उससे कहती है, बेटी चाय पियोगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से बहुत आराम आएगा। श्रुति उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद श्रुति काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। श्रुति देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और एक आदमी बैठा हुआ है, शायद उसका पति है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। श्रुति के सर के ऊपर वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जो कि श्रुति को घूरे जा रहा था। श्रुति को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उस लड़के को देखकर अपने मन को वहां से हटाकर श्रुति खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर अब अंधेरा हो चुका था। उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के तकरीबन 9:30 का टाइम था। रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते श्रुति की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। करीबन रात के 11:30 बजे उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वो काफ़ी बूढ़े दिख रहे हैं। श्रुति चौंक जाती है
और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उनकी सीट पर, जो कि सामने वाली सीट पर पहले बैठे थे, आकर बैठ गए हों। श्रुति की नज़र अचानक से बैठी उस महिला के साड़ी पर पड़ती है, जो कि वही सेम साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ, अजीब तरीके का लग रहा था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फंगस लग गई हो। श्रुति उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। श्रुति अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन में सोचती है कि शायद कहीं उसका भ्रम तो नहीं। वो अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली होती है कि पीछे से टीसी आवाज़ लगा देता है। वो अपना टिकट टीसी को दिखाती है और वो वहाँ से चला जाता है। श्रुति अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही उठे हैं क्या? मतलब यहाँ पहले कोई और बैठा था, वो चले गए क्या? श्रुति के इस सवाल पे कोई टस से मस्तक नहीं होता। सब एक टक श्रुति को ही देखे जा रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई इंसान नहीं एलियन देख लिया हो। वो उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है और मन ही मन सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा, छोड़ो मुझे क्या करना। ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अभी श्रुति को खड़े हुए कुछ ही मिनट्स हुए थे कि अचानक से उसके कानों में एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज़ थी जो कह रहा था, भागो भागो, सब यहाँ से भागो, छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ, अगर उसने देख लिया तो मार देगा। एक पल के लिए श्रुति को लगा कि कुछ नहीं, शायद ये उसके दिमाग का खेल है। वो थक चुकी है, पर वापस से वो आवाज़ को इस बार साफ साफ सुनती है। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ सभी लोग, भाग जाओ, नहीं मार डालेंगे ये सबको, भाग जाओ सभी लोग, भाग जाओ प्लीज। सचमुच कोई सभी को आगाह कर रहा था। श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना, कोई आलतू फालतू सी चीज़ें बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये हो क्या रहा है? घबराहट में श्रुति ने ये तक नहीं देखा कि सामने बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग गायब हो चुके थे। पूरी ट्रेन खाली थी और उसमें सिर्फ थी श्रुति। वो बिल्कुल हैरान, परेशान, पसीना पसीना हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, हेलो हेलो, कोई है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, बचाओ, यहाँ के सारे लोग कहाँ गए, कहाँ गए सारे लोग? श्रुति पागलों की तरह जैसे इधर उधर दौड़ती जा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, जैसे कोई किसी को घसीट कर ला रहा हो। श्रुति बहुत डर जाती है और वो अपने सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। अचानक से उसे दो पैर दिखाई देते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। ये देखते ही मानो श्रुति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई, ना ही कुछ बोलना और ना ही कुछ सुनना और ना ही कुछ समझने के लायक लग रही थी वो। उसके स्वयं के प्राण अब निकलने ही वाले थे, किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती थी। धीरे धीरे वो दो उल्टे पैर उसके पास से गुजरने लगते हैं और देखते ही देखते वो पैर आगे की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति अंदर छुपी हुई थी, उसे जैसे ही लगा कि शायद वो बुरी चीज़ आगे निकल चुकी है, वो वहाँ से बाहर निकलती है और ज़मीन में बैठकर आगे की तरफ
झांकने लगती है। उसे दिखाई देता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है, सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही श्रुति बैठकर खड़ी होती है, वो देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस से अपनी सीटों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। वो देखती है कि वो औरत अपने दो बच्चों के साथ, अपने पति के साथ ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठी है, और वो अजीब सा लड़का जो घूर रहा था, वो अभी भी घूरे जा रहा था। वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। श्रुति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अभी नहीं थे और यहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी आप लोगों के बदले, क्या वो लोग ट्रेन से उतर गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग तो यहाँ नहीं थे, फिर अचानक से कैसे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? श्रुति इतना बोल ही रही थी कि अचानक से वो महिला, उसके दोनों बच्चे, वो आदमी और ट्रेन में बैठे बाकी सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें बहुत ही तेज दर्द हो रहा हो। श्रुति डर के मारे जमीन में बैठकर अपना कान अपने हाथों से जोरों से बंद कर देती है, जिससे कि वो असहनीय दर्द को ना सुन पाए, कि अचानक से उनके शरीर कट कट के जमीन पर गिरने लगते हैं। वो नज़ारा इतना भयंकर था कि श्रुति को मानो अटैक सा आ गया हो। वो तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। उसके शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं थी। अपने आप को जैसे तैसे उठाकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। उस वक्त उस ट्रेन में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। खिड़की के बाहर श्रुति को दिखाई देता है कि उसका स्टेशन, उसका गांव रामपुर अब आने ही वाला है। ट्रेन रामपुर स्टेशन पर आकर रुकती है। श्रुति जैसे तैसे अपने सामान को उठाकर ट्रेन से निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो अपना कदम दरवाजे के बाहर रखती है, मानो उसे जोर का झटका लगता है और वो वापस उसी ट्रेन के अंदर चली जाती है। श्रुति को बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लगता है, मानो जैसे उसने नंगे बिजली के तारों को छू लिया हो। इतना ज़बरदस्त झटका था वो, और वो दर्द से कराह उठती है। देखते ही देखते ट्रेन वापस से चलने लगती है, और श्रुति की आँखों से उसका अपना गांव, अपना घर दूर निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। श्रुति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पागलों जैसी दर्द में जोरों से चिल्लाए जा रही थी, कौन है, क्या हो रहा है, और कौन कर रहा है ये सब, क्या चाहता है आखिर? तुम लोगों को अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन ऐसे तड़पाओ मत। श्रुति ये सब रोते हुए चिल्लाते हुए बोल ही रही थी कि अचानक से श्रुति को वही बच्चा दिखाई देता है जो पहले अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। वो बच्चा श्रुति के पास आकर कहता है कि अब वो भी नहीं बचेगी, कुछ मिनटों के बाद वो भी उनके जैसे हो जाएगी। श्रुति बिल्कुल डर जाती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, कौन मारेगा मुझे, क्यों मारेगा मुझे, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैंने तो अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ी है, और ये सब क्या हो रहा है? वो बच्चा श्रुति से कहता है, आज से 20 साल पहले ये ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहाँ से आपने ये ट्रेन लिया था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था, बाकी बहुत सारे लोग इस ट्रेन पर थे, लेकिन ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ ही मीलों का सफ़र तय करने के बाद हमें ये पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के गहने, जेवरात, पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, चेन खींच कर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ट्रेन रुक नहीं रही थी।
बाद में पता चला कि डाकू ने ड्राइवर को भी मारकर बाहर फेंक दिया था और उनके साथी ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार भीमसेन, जो कि बहुत ही बदमाश और बहुत क्रूर आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने, यहाँ तक कि उनकी ज़रूरी चीज़ें भी छीन ली थी, लूट लिए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से सभी लोगों को काटते और मारते जा रहे थे। बड़ी निर्दयता के साथ सबकी हत्या कर दी थी। हम बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा था। सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसी की जान को बख्शा ही नहीं गया। और ट्रेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर एक नदी में गिर गई। ये नदी रामपुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। देखते ही देखते पूरी ट्रेन ने जल समाधि ले ली और उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी और इस बोगी के लोगों को तो वो पहले ही मार चुके थे। और बाकी यात्री जो बाकी बोगी में बचे हुए थे, उनकी भी जान चली गई नदी में डूबने के कारण। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन के आने का इंतज़ार किया था, दरअसल ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो रामपुर जाने के लिए उठते हैं। ये ट्रेन किसी और को नहीं दिखाई देती है सिवाय रामपुर जाने वाले यात्रियों को। वो उन हर एक यात्रियों को जान से मार देते हैं जिनकी मंजिल रामपुर गांव होती है। आपने जिस उल्टे पैरों को देखा है ना आते हुए, वो कोई और नहीं, उनका सरदार भीमसेन ही था। वो आज भी सभी को मारता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और साथ ही हमारी आत्माएं भी आज तक भटक रही हैं। वो बच्चा जैसे ही श्रुति को अपनी कहानी पूरी सुनाता है, वैसे ही एक हवा में हाथ लहराता हुआ आता है और श्रुति के गले पर जोर से प्रहार करता है। आप सुन रहे थे गुमनाम मुसाफिर, रेडियो कनपुरिया FM 90 पर। सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.0, सुनो कान लगा के।